नमस्कार, मी लक्ष्मण दातखेळे. आपण पाहताय आपला आवाज. आपला आवाज मध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. बातमी आहे फरदापूर येथून. मनुष्य मन वचन और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है वह कार्य उस मनुष्य को अपनी ओर खींच लेता है. या शब्दात हरिभक्त परायण संतोष महाराज आढावणे पाटील यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले आहे. फरदापूर येथे श्रीराम मंदिरामध्ये अखंड हरिनाम सप्ताह संगीतमय रामचरित्र मानस रामकथा सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. भागवत कथा ही ईश्वराला प्राप्त करण्यासाठी संघ साधना आहे असे आढावणे महाराज म्हणाले. या कथेमध्ये राम सीतेचा विवाह करण्यात आला. मागील 6 वर्षांपासून ही कथा अविरत सुरू आहे. यावेळी कथेच्या सात संगीताला राधेश्याम महाराज मेथी, अतुल महाराज कोपरगाव, विष्णू महाराज कुदळे तसेच परिसरातील व गावातील महिला भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आमचे फरदापूर प्रतिनिधी अनिल रावळकर यांनी पाठवलेली ही दृश्य पाहूयात. लोग कहे मेरा भईर पावरी, दुनिया वाले कहने लगे शायद मीरा पगला गई है. लेकिन ध्यान देना, जो दुनिया की सुनता है, जो दुनिया की मानकर चलता है, उसे हरि कर जाना चाहता हूं. दशरथ जी रोने लगे कि चौथे पण पाय भूषित चारी प्रवचन नहीं कहे भू विचार. बुढ़ापे में चार पुत्र भय है महाराज, और ऐसे चारों पुत्र को उसमें राम तो मेरा प्रिय रहा है, और प्रिय व्रत जो सत्य है, परम है, मंगल है, ऐसा राम, उस राम को मैं मुझसे गिरोने लगे. विश्वामित्र ने कहा, दशरथ सुन लेना. पूछा, बोले तुझे पुत्र प्राप्ति किस कारण हुई है? बोले महाराज, यज्ञ किया था उसी कारण पुत्र भय है. यज्ञ किसने किया था? बोले आप जैसे महंतों ने, ऋषियों ने मिलकर यज्ञ किया था. तो बोले राजन, अगर हमारे देश से ऋषि और महंतों ने मिलकर यज्ञ किया और यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति हुई, तो जिस यज्ञ से पुत्र मिले हैं, तो क्यों ना चार पुत्र होने के बाद उसमें से 2 पुत्र उस यज्ञ की रक्षण के लिए दिए जाए. क्या फर्क पड़ता है राजन के 2 पुत्र यज्ञ की रक्षण के लिए दिए. और यहां पर बड़ी ही जड़युक्त अंतकरण से महाराज दशरथ ने यह बात को स्वीकार कर लिया. अपने सर्वस्व देवू आज सरल वसा, मैं भूमि दे आपको, अगर लगती है तो मैं भूमि दान दू, मैं धेनु गाय दान करूं, गायों का दान दू.